तो अगर आप लोगों के पास भी प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट है तो आप लोगों को अभी सरकार की तरफ से 10,000 रुपये की सहायता मिल सकती है। पहले दोस्तों क्या था कि ये सहायता सिर्फ 5,000 रुपये की ही मिलती थी, लेकिन अब दोस्तों सरकार ने बढ़ाकर 10,000 रुपये की कर दी गई है। ये सहायता दोस्तों क्यों मिलेगी? अगर दोस्तों आप लोग अपना कोई भी छोटा मोटा काम स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप लोगों को ये 10,000 रुपये किसी और काम के लिए ज़रूरत है तो आप लोग अपने प्रधानमंत्री जनधन योजना वाले अकाउंट से 10,000 रुपये की ये सुविधा ले सकते हैं। दोस्तों किस प्रकार से आप लोगों को ये 10,000 रुपये की सुविधा मिलेगी, कैसे आप लोगों को आवेदन करना पड़ेगा और कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, कहाँ जमा करना पड़ेगा और आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, दोस्तों पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोग भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। आप लोगों को अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना है। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि मैं जब भी ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हो जनधन खाता में 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैसे लें। उसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आखिर होती क्या है। तो दोस्तों आप लोग यहां पर देखेंगे ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंस सुविधा है जिसके तहत अगर आप लोगों के बैंक खाते में पैसे नहीं हैं तब भी आप लोग पैसे निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग भी कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप लोगों को घर बनवाने के लिए या फिर और किसी काम के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के जरिए अपने बैंक खाते में पैसे ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तहत 5,000 रुपये ले सकते हैं या फिर 10,000 रुपये। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हो, दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पहले ओवरड्राफ्ट की सुविधा 5,000 रुपये ही मिलते थे, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस के चलते जब देश भर में लॉकडाउन किया गया तो ऐसे में काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई और वह बेरोजगार हो गए। दोस्तों बहुत से लोगों के काम धंधे चौपट हो गए, तो इसी को देखते हुए सरकार ने ओवरड्राफ्ट की सुविधा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है, जिससे कि बेरोजगार या फिर गरीब लोग अपना छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकें। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे कि 10,000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा कौन कौन ले सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यह सुविधा लेने के लिए आप लोगों का किसी भी बैंक में प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों के खाते की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों के खाते में पिछले 6 महीनों से लेन देन होता रहना चाहिए और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी एक घर से सिर्फ एक ही खाता धारक ले सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने के लिए आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या फिर कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो आप लोग यहां पर देखेंगे, सबसे पहले आप लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए और उसके बाद आप लोगों के पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए और उसके बाद जाति आय निवास प्रमाण पत्र भी होने चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आवेदन किस प्रकार से करना है और कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप लोगों का जिस भी बैंक में प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला खाता है आप लोगों को उसी बैंक के शाखा में जाना है और वहां पर आप लोगों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा वाला फॉर्म भरकर जमा कर देना है। बहुत सी बैंकों में ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है, वो आप लोगों की शाखा पर डिपेंड करता है। दोस्तों जब आप लोग बैंक में जाएंगे वहां से जब आप लोग ओवरड्राफ्ट की सुविधा वाला फॉर्म मांगेंगे वो फॉर्म आप लोगों को फिल कर देना है और उस फॉर्म में आप लोगों को एक निश्चित डेट डाल देनी है कि आप लोगों को कब तक के लिए ये 10,000 रुपये चाहिए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग 10,000 रुपये ले सकते हैं जिससे कि आप लोग अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर और किसी काम में लगा सकते हैं। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन दोस्तों आप लोगों के मन में अभी भी कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं तुरंत उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। और दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।